बिलावल बाणी भगतां की कबीर जीओ की एक ओंकार सतनाम करता पुरख सतगुर प्रसाद ऐसो एहो संसार पेखना रैन ना कौ पाई है रे सुदे सुदे रिंग चलो हो तुम नर्त कुतका दवाई है रे ऐसो एहो संसार पेखना रैन ना को पाई है रे सुदे सुदे रिंग चलो नर्त कुतका दवाई है रे गुरु सवार्यो गुरु प्यार्यो ए भगत कबीर जी का शब्द जो बिलावल राग विच धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 855 ते है ये उस वेले दा समा है जदों कबीर जी दे कर कबीर जी ने भोजन कीता ब्राह्मणा दा क्योंकि कबीर जी नू उस वेले ब्राह्मणा ने आके बहुत बुरा भला बोलिया जदों कबीर जी ने अपने घर कुछ साधु आए जिन्हां नूं भोजन करवाया वो भोजन करवाया केड़ा पाई वो साधु जेड़े सन उन्हां नूं छोटी जात दे मन्या जांदा सी कोई अपने घरां विच भोजन नहीं सी करवांदा कबीर जी एक दिन ब्राह्मण कबीर जी ने उन्हां नूं भोजन करवाया ते बड़े प्रसन्न होए बैरागी साधु सन जिन्हां नूं भोजन छकाया सो उस दिन कबीर जी दे कोल सारे ब्राह्मण कट्ठे होके आए आके कबीर जी नूं आख्या ओए कबीर जलाए दा जलाया है भगत होके पर पुरशां दी पछाण ना आई बैरागी बैरागियां नूं दान दे के ब्राह्मणां दा निरादर कीता कि ये गल तेरे वास्ते चंगी है कबीर ने उत्तर दिता कबीर ने क्रोध नहीं किया बड़े धीरज नाल आख्या हाथ जोड़ के बोलिया महाराज तुसी हुक्म करो जे मैं उन्हां दी सेवा कीती है तां मैं तुहाडी भी सेवा करदा हाँ उन्हां दी सेवा उन्हां दे थां हो गई तुसी हुक्म करो तुहाडी सेवा की करा ब्राह्मणा ने उत्तर दिता असां भी पक्का भोजन खावांगे दक्षिणा दे भाव के माया दी दक्षिणा भी सानू दे ते असी भी भोजन खावांगे कबीर जी कहन लगे बहुत अच्छी गल है जी आया नू मेरे राम ने इसे गल विच खुश होना है तुसां दी सेवा करके हुक्म करो की लैके आवां ब्राह्मणा ने कहा इहदे घर ते खाण नू दाणे नहीं उस वेले ब्राह्मण बोले कहिंदे जी मठियाईयां लैके आओ दक्षिणा दिओ सारे ब्रह्म इक्को जबान होके बोले अग्ञानी ब्राह्मण कबीर कोल मठियाईयां खाण वास्ते नहीं आए सन सगों कबीर दी परख करन वास्ते आए सन इम्तिहान लैण वास्ते आए सन उन्हां कोल सुनिया सी भगवान कबीर दीआं सारीआं कामनावां पूरीआं मंगां पूरीआं करदा है उन्हां सारीआं मंगां
कबीर अगे रख दित्तियां, सलाह कीती कि इहदे घरों मठियाईयां खावांगे, दान दक्षिणा लवांगे। फैसला करके कबीर दे घर आ के धरना मार बैठे। कबीर जी ने हां तां कर दित्ती, पर सचमुच उस दे कोल मठियाईयां खवाउण जोगी माया नहीं सी, ना ही उस कोल कबीर कोल घर विच उस दिन आटा सी, मिठा सी, कुछ नहीं सी। फिर भी राम नूं याद करके अंदर चले गए। अंदर लोई जी बैठे सन। कबीर जी ने कहा, भागां वालीए, ब्राह्मण मठियाई दी दक्षिणा मंगदे ने, ब्राह्मणा नूं मठियाई छकाओ। उस वेले कहिंदे ने लोई जी ने उत्तर दिता, प्यारिओ, लोई भी राम दा भरोसा करन वाली सी। उसने अगों उत्तर दिता, छकाओ जी दक्षिणा दिओ, बहुत कुछ है महाराज दे घर विच, साढ़े घर महाराज ने बड़े भाग लाए ने, जो कुछ कहिंदे ने इन्हां नूं छकाने आ। लोई जी कोलों इह गल सुण के कबीर जी बड़े खुश होए। घर बहुत कुछ है, ये गल सुनी तो बड़ा मन प्रसन्न होया। सतगुरु भी बाणी विच कहिंदे ने, बहुता कही है बहुता होए। प्यारे, जिन्हां नूं आदत पै जाए कि है ही नहीं, मर गए, रुड़ गए महाराज, फिर एक समा लै आउंदे ने, उन्हां दे घरां विच रहिंदा भी कुछ नहीं। एक ने जिन्हां दे घर विच भावें कुछ होवे भावें ना होवे, पर जदों मालक दा आसरा लैके कहिंदे ने सब कुछ है, उस वेले उस दी रक्षा सहायता पालना आप मालक करदा है। कबीर जी ये बचन सुन के बेअंत खुश होए। जबानों राम क्या कह के बेअंत आनंद च हो के नाल ही लोई बोली, राती भांडे खाली सन, सवेरे मैं देखे ने मठियाईयां दे भरे होए ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। राम दी लीला अलख है, कुछ समझ नहीं आउंदी। ब्राह्मण बैरागी संतां दे भुखियां नंगियां नूं तेरे घर लै आउंदा हाँ, तेरे भांडे भरपूर कर दिंदे ने। असीं तां सेवादार हाँ, कई वार असां कोल वी सेवा नहीं कराउंदा। जाके सब दे हाथ सुचे कराओ, सब नूं बिठाओ, पंगतां लाओ, मैं प्रशादा, मैं मठियाईयां लैके आउनी। आनंद विच उछल दे कबीर जी बाहर गए, ब्राह्मणा दे अगे हाथ जोड़े, भाई प्यारिओ आओ पंगतां लाओ, हाथ सुचे करो, मेरे राम दी आग्या है ब्राह्मणा नूं रज के मठियाईयां छकाउणियां ने। कबीर आके कबीर दे बेटे कमाले नूं आवाज़ मारी, भाई छेती आ। कबीर जी ने आख्या, कमालिया जल्दी गड़वा भर के पानी दा लैके आओ, ब्राह्मणा दे हाथ सुचे कराओ, पक्का भोजन छकाउणा है, छेती कर दिओ, देर नहीं हो रही। सत बचन कह के आके कमाला तुर पिया, सुचे हाथ कराए, गड़वा लियांदा। ब्राह्मणा दी गिनती सत को सी, ज्यादा नहीं सन, सत अठ शरीर। ब्राह्मण उस वेले हैरान हो गए, ना तो कबीर घरों बाहर गया है, ना उसने किसी आदमी नूं भेजिया है, सत अठ आदमियों का भोजन किवें करेगा, मठियाईयां कित्थों लैके आवेगा। उन्हां दे दिल विच गंढ बज गई सी। कबीर ब्राह्मणा नाल मखौल करन लगा। इस वास्ते कईयां ने हाथी ना धोते, कमाल नूं एवें सानूं मखौल करदा है कबीर, इहदे घर ते कुछ है नहीं। हाथ सुचे कराए, भगवान ने जदों भगतां दी कीरत वधाउणी होवे तां सारे कारज आप रास करदा है, उहदे घर किसे गल दी घाट नहीं। प्यारिओ, अख फुरकण तों पहिलां भंडारे भरपूर कर दिंदा है। हरन भरन जांका नेत्र फोर, ब्राह्मणा दे मूंह खुले। कहिंदे ने उस वेले जदों मठियाईयां लिया लिया अगे रखियां, ब्राह्मणा दे मूंह खुले, अखां अड्डियां रह गईयां। जदों कई प्रकार दियां मठियाईयां थाल भर के कबीर जी लिया के
ब्राह्मणा दे अगे झोली च उलटाई जांदे ने। इसे तरह लोई कमाला कमाली कहिंदे ने बेअंत सेवा कीती, थाल भर भर लियाउणा शुरू कीता। कबीर जी फड़ फड़ ब्राह्मणा दियां झोलियां पलट के झोलियां विच पाई जांदे ने, झोलियां भरी जांदे ने। ब्राह्मण जबानों नहीं बोल सकते पर एक दूजे ने इशारा करके पुछण दा जतन करदे ने। ये माया भगवान दी है, असी कबीर नूं गरीब जलाया समझदे सां। नाल ओ सिर मार मार के एक दूसरे नूं समझाई जांदे ने, भाई ठीक है, कल युग विच कबीर वड्डा भगत है, भगवान इहदियां सुणदा है। हर एक थाल विच सवा सेर मठियाई सी प्यारिओ। ਜਦੋਂ ਮਠਿਆਈ ਵਰਤ ਗਈ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਰਾਮ ਦੇ ਭਗਤੋ ਛਕੋ, ਰੱਜ ਕੇ ਛਕੋ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਚਾਹੋ ਰਾਮ ਭੇਜੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਛਕਾਓ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਾਂ ਛਕਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਉੱਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਹੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤੋਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਵੇਦ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਰੱਟ ਕੇ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਸਨ ਪਿਆਰਿਓ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਬੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਠ ਬੈਠਾ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਕਬੀਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉੱਠ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਦੀ ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਬਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਇਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਸ ਜਗਤ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਜਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜੀਵ ਜਮਾਂ ਦੇ ਡੰਡ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਤਾਓ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਗਿਆਸਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੋ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਣਾ, ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਤਹੂੰ ਪਾਈ ਹੈ ਰੇ, ਸੂਦੇ ਸੂਦੇ ਰੇਂਗ ਚਲੋ, ਤੁਮ ਨਰਤ ਕੁਤੱਕਾ ਦਵਾਈ ਹੈ ਰੇ। ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਮ ਜਨੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਰਾਜਾ ਨਾ ਕੰਗਲਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਭਾਰੀ ਹੱਥ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਮਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਰੇ ਬੂਟੇ ਤਰਨਾ ਭਈ ਹੈ,
बारे बुढ़े तरना पैया सब हूं जम ले जई है रे मानस बपरा मूसा कीनो मीच बुलैया खई है रे हे राम जनो बाल बुढ़े जवान सारिया नु जम ने लै जाना है मनुख चूहे की न्याई है अते होनी जड़ी मौत है वह बिल्ली की न्याई है चूहे नु होनी रूप बिल्ली खाई जाती है परमात्मा ने यह बिल्ली वास्ते इस वास्ते छड़ी है कि संसार विच इकट्ठ ना होवे पिपल दे पत्ते वांग पुराने पत्ते सुख के चढ़ जाते ने उन्हां दी थां नवे फुट पैंदे ने मरना सच ते जीवना झूठ है प्यारियो तनमंता अर निर तन मनई ताकी कशु ना कानी ने राजा प्रजा सम कर मारे मारे ऐसो काल बिड़ा नीरे उस परमात्मा इस गलों बहुता चंगा है किसी नाल लिहाज नहीं करता अमीर ते गरीब नू इको अख नाल वेखदा है उस नू किसी दी मुशंदगी नहीं वो राजे ते प्रजा ते मनुख नू इक्के समय मारदा है इस काल मौत दी वड्याई भाव के भूमिए राजे सैनिक तानड़ कंगाल अनपढ़ ते पढ़े लिखे सब ने जरूर मरना है सो जग्यासो मौत अटल है समझो हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे आवे ना जाए ना कब हूं मरते पार ब्रह्म सिंघारी रे हे राम जनो कबीर जी बोले पर आम लोका नालों हरी के संतान ते भगतां दी मौत दा बड़ा फर्क है दुनिया दी निगाह विच संत ते भगत भी मरते हैं दुनिया संतां भगतां दा पंज भूतक देह नूं शमशान भूमिका लिजा के अगन भेट करती है पर हर के संत मरते नहीं ये अमर हो जाते ने पंच तत् के शरीर नूं जरूर बदलते ने आवागौन दे झंझटां तो छुटकारा पा लेंदे ने क्योंकि पार ब्रह्म दी सरन लगे हुए ने जो राम भगत हन उन्हां नूं मौत कोलों भै नहीं आउंदा उन्हां तां सगों मौत नूं आनंद दी अवस्था समझदे हन क्योंकि मरन तों बिना जीव ने परमात्मा नूं नहीं मिलना जिस मरने ते जग डरै मेरा मन आनंद मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद सो राम जनो राम नाम दा सिमरन करो फिर मौत दा भय नहीं आवेगा तुसी मौत नूं आवाजा मारोगे पर मौत तुसां दे नेड़े नहीं आएगी गुरु सवारियो एक कबीर जी भगत कबीर जी ने इस जीव नूं इहो ही समझाउणा कीता है कि सिमरन नाल भजन नाल निरपैता हुंदी है जिहड़ी निरपैता है निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी साहिबां वो जिहड़ा निरभउ है वो निरभउ कर दिंदा है निरभउ जपै वो निरभउ नूं जपण दे नाल निरभउ हो जाईदा है कोई डर नहीं रहिंदा कोई खौफ नहीं रहिंदा मौत दा काल दा डंड कदे सताउंदा नहीं ते गुरु सवारियो गुरु प्यारियो कदे भी
दुनिया तो किसे गल का भय नहीं आता। सिमरन करन वालियां नू, भजन करन वालियां नू, नाम जपन वालियां नू सदा उहदे नाम की मस्ती चढ़ी रहिंदी है, प्यार चढ़िया रहिंदा है। सो प्यारियो सिमरन करना, भजन करना, नाम जपना अमृत वेला सच नौ वड्याई विचार। प्यारियो अमृत वेला सामना इहो ही वड्डे कर्म हन इस जीव दे। कबीर जी ने इस बाणी राही समझाया तू सीधा होके चल। जदों दुनिया दे विच असी बहुत राह चुनने हैं तो फिर किसी राह ते भी नहीं चलिया जाता। प्यारियो जदों असी एक राह चुन लैने वो एक राह एक दिन मंजिल ते पहुँचा देता। जिहड़ा एक दा हो गया फिर प्यारियो एक दा जिस दिन हो जाइए फिर गुरु जिहदा जिहड़ा गुरु दा हो गया गुरु भी उहदे जोगा हो गया। जोगिया किहदे जोगा? पातशाह जी तुहाडे जोगा। जोगिया जे तू साडे जोगा ते गुरु भी तेरे जोगा। इस करके गुरु सवारियो ये शब्द बिलावल राग च भगत कबीर जी ने सूदे सूदे रेंग चलो तुम नत कुतका दवाई है रे सीधे राह चलन की ये मत दिती है। गज के बुलाओ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।